अफगानिस्तान तो गुरु ग्रंथ साहब के दो पवित्र स्वरूप भारत पहुंच चुके ने। विशेष फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचाए गए ने गुरु ग्रंथ साहब के दो स्वरूप। तीन अफगान सिख भी नाल पहुंचे ने। खास फ्लाइट के लिया गया आखिरी दो स्वरूप सन जो अफगानिस्तान के सन, हुण इन्हों भी सुरक्षित भारत पहुँचा दिता गया। दिल्ली एयरपोर्ट से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूप पहुंचे ने। अफगानिस्तान के हालात खराब हुए सन लंघे वरे। करते परवान गुरद्वारा साहब से भी हमला होया, जिस तो बाद एक आवाज शुरू हुई कि सिखा नूं सुरक्षित भारत लिया जाए। तो गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप पहला भी लिया जा चुके हैं, तो हूँ जो आखिरी दो स्वरूप उत्थे सन उन्होंने भी सुरक्षित लिया गया। साल 2021 अगस्त महीने के भी सिखा नूं भारत लिया गया सी अफगानिस्तान तो, उदों भी गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप भारत पहुँचाए गए सन। तो हूँ जो आखिरी स्वरूप दो बचे सन अफगानिस्तान के, उन्होंने भी दिल्ली लिया गया। जो आखिरी दो स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब के काबुल में रह गए थे, और जब पिछली दफ़ा इवैक्यूएशन हुआ तो तालिबान सरकार ने स्वरूप निकालने से मना कर दिया था। इस वक्त हम धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तालिबान की गवर्नमेंट का और सिख संगत का, एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिन्होंने ये सारी टिकटें पीछे भी खर्ची हैं, और ये सारा उनकी वजह से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से, मोदी सरकार की वजह से ये आज पॉसिबल हुआ है। अब वहाँ से टोटल जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप हैं वो सारे यहाँ पे ले आए गए हैं। आज आपने देखा कि मर्यादा के साथ कैसे पुनीत सिंह चंढोक इसको सारा कोऑर्डिनेट कर रहे थे। पिछले समय से 166 यात्रियों को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वीज़े की भी कोशिश की और उनको टिकटों का वितरण करके दिया। जो पहले होम मिनिस्ट्री करते थे, अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये कार्य कर रही है।